हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज इस समय ब्लड बैंक में रक्त की कमी से जूझ रहा है, जिसके चलते जरूरतमंद मरीजों को परेशानी से दो चार होना पड़ रहा है। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में ओ पॉजिटिव रक्त की भारी कमी है। कॉलेज में मात्र 4 यूनिट रक्त ही शेष बचा है, जबकि इस रक्त की मरीजों के लिए बहुत डिमांड है। हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज के SM रमेश चौहान की माने तो मेडिकल कॉलेज में प्रति माह 150 से 200 यूनिट की रक्त की आवश्यकता होती है। कॉलेज के ब्लड बैंक में मात्र 62 यूनिट रक्त उपलब्ध है, जबकि ओ पॉजिटिव रक्त की अस्पताल में भारी कमी है। अस्पताल में मात्र ओ पॉजिटिव रक्त मात्र 4 यूनिट ही बचा है। उन्होंने कहा, कोरोना और धारा 144 के चलते जिला में रक्तदान शिविर आयोजित नहीं हो पाए हैं, जिसके चलते मेडिकल कॉलेज में रक्त की कमी पेश आई है। ये COVID-19 जब से शुरू हुआ है तब से, क्योंकि हम कैंप्स ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे थे, मैक्सिमम हमारी डोनेशन जो थी वो कैंप्स के थ्रू आ रही थी। क्योंकि अब कैंप्स नहीं ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, इसलिए ब्लड की कमी चल रही है। अब तो हम सिर्फ रिप्लेसमेंट बेसिस पे ही ब्लड दे पा रहे हैं इस टाइम, क्योंकि ब्लड की रिक्वायरमेंट वही रही, बट हमारे पास कैंप्स ना होने की वजह से हमारे पास कम ब्लड आ रहा है, इसलिए कमी चल रही है। सर, जैसे मान लीजिए किसी सीरियस व्यक्ति को ब्लड की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए क्या अल्टरनेट है फिर? वैसे तो हमारे पास अभी तक 43 यूनिट्स ब्लड अवेलेबल है इस टाइम ब्लड बैंक में, पर कुछ ग्रुप्स हैं जैसे ओ पॉजिटिव है, इसकी हमें अभी सख्त ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 4 यूनिट्स हैं बचे हुए, 4 बैग बचे हैं और 7 पेशेंट्स को हमें रिक्वायर्ड है। तो जो अटेंडेंट्स हैं या कोई वॉलंटरी डोनर्स हैं, उनके थ्रू ही हम अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पा रहे हैं। स्थानीय निवासी प्रवीण सोनी ने भी सरकार और जिला प्रशासन से मांग उठाई है कि कोविड नियमों के तहत रक्तदान शिविर का आयोजित किए जाए। कल जो है ना कोविड 19 चला हुआ है, प्लस ये लो और धारा 144 या जो लॉकडाउन भी लगा उसके तहत लोग भीड़ भी नहीं इकट्ठी कर सकते हैं। तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वे 2-3 या 4 के ग्रुप में लोगों को बुला करके उन अगर जो खुशी से अपना ब्लड दान देना चाहते हैं आए, ताकि जो कोविड के मरीजों को परेशानी हो रही ब्लड की, उनकी उस परेशानी को दूर किया जा सकता है। ठीक है। वहीं स्थानीय निवासी रोहित शर्मा ने कहा कि जिला प्रशासन को इसके लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। कोविड नियमों के तहत रक्तदान शिविरों के आयोजन की प्रशासन और सरकार से गुहार लगाई है। सरकार की तरफ से ये मानना था कि ये ऐसी महामारी है कि इस महामारी में ब्लड डोनेट करते वक्त थोड़ा सा एहतियात बरतना चाहिए, क्योंकि ऐसे आदमी जो कहीं कल को चपेट में ना जाएं तो उनको ब्लड की कमी ना हो, इस करके उन्होंने बंद किए हैं। लेकिन मैंने तो पहले कहा कि जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का प्रश्न है, हमारे यूथ कांग्रेस साथियों का प्रश्न है, अदर सोशल NGOs का प्रश्न है, उन्होंने इससे पहले काफ़ी ब्लड बैंक्स ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए हैं और ब्लड डोनेट किया है, तो मेरे ख्याल से तो ऐसी कमी आनी नहीं चाहिए जिससे कि प्रशासन ये कहे कि हमारे पास ब्लड नहीं है। और अगर ऐसी कोई एमरजेंसी सर्विसेज की ज़रूरत है तो जिलाधीश महोदय जो डिजास्टर मैनेजमेंट के चेयरमैन है उसमें इंटरवीन करें और ऐसा कोई इसमें कोई बायोमीडिया निकालें। तो मेरे ख्याल से जो यहाँ सोशली एक्टिव लोग हैं वो इसमें पूरा पार्टिसिपेट करेंगे।